नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2020 का नोवा महामुकाबला 27 सितंबर को यानी आज भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच शारजा के शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। बहुत ही रोमांचक और शानदार होने वाला यह मैच, और आज की इस वीडियो में हम इस महामुकाबले से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं और जानेंगे कि इस महामुकाबले में क्या होने वाली है, दोनों टीमों की प्लेइंग 11, क्या क्या बड़े बदलाव हमें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, ग्राउंड स्टैट्स और साथ ही साथ प्रिडिक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। यानी पूरी तरह से इस महामुकाबले को हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इस महामुकाबले को माई 11 सर्कल ऐप पर खेल सकते हैं, क्योंकि वहां पर फिलहाल एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है। जी हां, वहां पर ज्वाइन होते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपए तक का कैश बोनस मिलता है, और साथ ही साथ इस महामुकाबले के लिए सौरव गांगुली ने भी अपनी टीम बनाई है। और यदि आपकी टीम सौरव गांगुली की टीम को हरा देती है तो आपको आपकी विनिंग का 2 गुना ज्यादा कैश मिलेगा। उसके अलावा भी एक और कॉन्टेस्ट चल रहा है जहां पर एवरी वीक यहां पर यूजर्स 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जीत रहे हैं, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। काफी सारे लोग यहां पर करोड़ों रुपए जीत चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से फटाफट माई 11 सर्कल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से डाउनलोड करने पर आपको 20% कैशबैक एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं इस महामुकाबले की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल के इतिहास में ये दोनों टीमें अभी तक कुल 17 बार आमने सामने हुई है, जहां पर 10 बार राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीत दर्ज की है, वही केवल यहां पर 7 बार पंजाब की टीम जीत पाई है। लेकिन फिलहाल पंजाब की टीम बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, जिसके चलते यह मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के आईपीएल 2020 में परफॉर्मेंस की। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स ने अपना पिछला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ इसी मैदान पर खेला था, जहां पर शायद 220 रन बनाए थे, बिल्कुल आसानी से वह मैच जीती थी। वही दूसरी तरफ पंजाब की टीम ने आईपीएल 2020 में अभी तक 2 मैच खेले हैं, एक मुकाबले बिल्कुल जीता हुआ मैच इनके हाथ से निकल गया था, दूसरे मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस किया था, जीत मिली थी। और फिलहाल दोनों ही टीमों ने आईपीएल 2020 में बहुत ही रोमांचक परफॉर्मेंस किया है। पिच रिपोर्ट एंड वेदर रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि शारजा के जो मैदान की पिच होने वाली है वो पूरी तरह से बैटिंग के लिए फ्रेंडली होने वाली। पिछला मैच भी जो शारजा के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था, उस मुकाबले में राजस्थान की टीम ने 220 रन लगभग बनाए थे, चेन्नई ने भी 200 रन बनाए थे। यानी पूरी तरह से हमें यहां पर रन देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गेंदबाजों की, तो मीडियम फास्ट बॉलर्स को यहां पर थोड़ी सी मदद मिल सकती है। हालांकि गर्मी काफी ज्यादा होने वाली है, 36-37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहने वाला है, लेकिन ह्यूमिडिटी हमें यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। जी हां, लेकिन यहां पर हमें थोड़ी सी ओस देखने को मिल सकती है, जिसके चलते जो बाद में टीम गेंदबाजी कराने वाली है उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हम बात करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस मैदान पर अभी तक कुल 15 T20 मैच खेले गए हैं, जहां पर 10 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है, केवल 4 बार यहां पर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत पाई, एक मुकाबला यहां पर नो रिजल्ट रहा। यानी यहां पर जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसके जीतने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर उन बड़े बदलाव की जो इस मुकाबले में हमें दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं। तो सबसे पहला बदलाव हमें राजस्थान रॉयल्स में देखने को मिलेगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम में यहां पर डेविड मिलर को बाहर करके उनकी जगह पर जोस बटलर हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वही दूसरी तरफ एक बदलाव हमें गेंदबाजी में भी देखने को मिल सकता है। जिया जयदेव उनदकट को बाहर करके उनकी जगह पर अंकित राजपूत को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। वही हम बात करते हैं पंजाब की टीम की, तो पंजाब की टीम में निकोलस पूरन को बाहर करके क्रिस गेल हमें इस टीम के लिए ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए फटाफट हम बात करते हैं इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो इस महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे जोस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ, नंबर 4 पर संजू सैमसन, नंबर 5 पर रोबिन उथप्पा, नंबर 6 पर रियान प्रयाग, नंबर 7 पर राहुल तेवतिया, नंबर 8 पर टोम कुरन, नंबर 9 पर जोफ्रा आर्चर, नंबर 10 पर सुरेश गोपाल और नंबर 11 पर अंकित राजपूत या फिर जयदेव उनदकट, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। वही हम बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। तो पंजाब की तरफ से इस महामुकाबले में ओपनिंग करने उतरेंगे केएल राहुल के साथ क्रिस गेल, नंबर 3 पर मयंक अग्रवाल, नंबर 4 पर करुण नायर, नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पर सरफराज खान की जगह पर दीपक हुड्डा को जगह मिल सकती है, नंबर
7 पर कृष्णा पागोथम, नंबर 8 पर क्रिस जॉर्डन, नंबर 9 पर सेल्डन कोटरेल, नंबर 10 पर मोहम्मद शमी और नंबर 11 पर रवि बिश्नोई। तो भाई कुछ ऐसी होने वाली इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 प्रिडिक्शन की हम यहाँ पर बात करते, तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम जीतने वाली है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस महामुकाबले को, राजस्थान रॉयल्स या फिर किंग्स इलेवन पंजाब, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।